जेम्स बॉन्ड, शर्लॉक होम्स से लेकर ब्योमकेश बख्शी तक, अगर ये किरदार हमारे जहन में आज भी जिंदा है तो वजह जासूसी है। एक बात ध्यान देने वाली है कि इन जासूसी किरदारों में हम सब ने रील से लेकर रियल लाइफ तक सिर्फ मेल कैरेक्टर ही देखा है। शायद ही कोई जानता होगा उस महिला जासूस के बारे में जिसने असल जिंदगी में भी अपनी जासूसी का लोहा मनवाया है। हम बात कर रहे हैं देश की पहली महिला जासूस रजनी पंडित की, जिन्होंने अपने जासूसी करियर में 80,000 से ज्यादा केस सॉल्व कर दिए। नमस्कार, मैं हूं मानसी और आप हैं मंच पर। रजनी पंडित कभी जासूस नहीं बनना चाहती थी। घर का माहौल जासूसी वाला था क्योंकि पिता सीआईडी ऑफिसर थे। मुंबई के मराठी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान एक खास फ्रेंड गलत संगत में पड़ गई थी। फ्रेंड की इस हरकत को छुड़वाने में उन्होंने उसका घर का पता लगाया और फ्रेंड की बुरी संगत की पूरी कहानी उसकी फैमिली को बता दी। फ्रेंड को डांट पड़ी और रजनी की तारीफ में उसके पिता ने उन्हें जासूस नाम दे दिया। यहीं से सफर शुरू हुआ रजनी की जासूसी का। 22 साल की उम्र में जब रजनी एक ऑफिस में क्लर्क के पद पर काम कर रही थी, उस दौरान उनकी साथी महिला क्लर्क के घर चोरी हो गई। बस उस साथी महिला को सांत्वना देने रजनी उसके घर पहुंच गई और चोर का पता लगाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। कह सकते हैं कि ये उनका पहला केस था। रजनी ने जब छानबीन शुरू की तो उन्हें पता चला कि महिला के बेटे ने ही घर में चोरी की है। इस केस से रजनी के टैलेंट की चर्चा ऑफिस ही नहीं उसके बाहर भी होने लगी। जासूसी की कहानी सुनना और उसे जुड़ी मूवी देखने में जितना मजा आता है उससे कहीं ज्यादा इस फील्ड में जान का खतरा बना रहता है। इसलिए पिता ने एजेंसी डालने के दौरान रजनी को मना कर दिया, लेकिन वो पीछे हटने को तैयार नहीं थी। रजनी को असल पहचान दूरदर्शन पर दिए इंटरव्यू के बाद मिली। इस इंटरव्यू के बाद उनके पास काम की भरमार लग गई। रजनी ने अपने करियर में 80,000 से ज्यादा केस को सॉल्व किया है। इनकी टीम में 20 से ज्यादा लोग काम करते हैं। रजनी पंडित को जासूसी का पहला अवार्ड 1990 में मिला था और अब तक पूरे करियर में उन्हें 70 से ज्यादा अवार्ड्स मिल चुके हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से रजनी को फर्स्ट लेडी डिटेक्टिव का भी अवार्ड मिल चुका है। लेडी जासूस रजनी पंडित की ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही और वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें।